अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइफ विद फ़राह के साथ फ़राह इकबाल एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से रहें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रोग्राम की पसंदीदगी के लिए कि आप लोग इसे पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं और हम इसको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और आपकी तवक्कुआत के मुताबिक इस प्रोग्राम को बना सकें। ये प्रोग्राम लाइव है, आप इसे डिश नेटवर्क पर स्लिंग पर फेसबुक और यूट्यूब पर चार जगहों पर बैक वक्त देख सकते हैं। आज के मेरे प्रोग्राम का जो इंट्रो है वो कुछ इस तरह है कि कुछ लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो हमेशा से बिल्ट इन होती हैं, पैदाइशी लीडर्स होते हैं वो। और लीडर्स वो होते हैं जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं, और ये काम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर किसी की अपनी एक सोच होती है, ख्याल होते हैं अपने, अपनी शख्सियत होती है, और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन ह्यूस्टन में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो 50 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को हर साल अपने साथ लेकर चलते हैं और एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं जिसमें 3,000 के करीब लोग जो है वो शिरकत करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ह्यूस्टन अवतार की, जो कि इस वक्त एक आइकॉन बन चुका है पूरे अमेरिका के लिए, इवन ग्लोबली। और वो आइकॉन है हमारे इंटरफेथ इफ्तार का, यानी रमज़ान की अहमियत इंटरफेथ के ज़रिए, और उस इफ्तार में तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं वो शिरकत करती हैं और उनको किस तरह लेके चलते हैं, किस तरह उनके साथ डील करना है, किस तरह उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ये तमाम काम करते हैं कोऑर्डिनेटर सईद शेख, जो कि बहुत सारे एजाजात भी ले चुके हैं, प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी उनको मिल चुका है, और वो सिस्टर सिटी ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आज हमने उनको दावत दी है ताकि इस साल की जो एक यादगार इफ्तार हुई है ह्यूस्टन इफ्तार, उसके बारे में हम उनसे बात कर सकें। तो उन्हें वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके जेनरस इंट्रोडक्शन का। मेरा ख्याल है आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं पर्सनली ये सोचती हूँ इस तरह। जी शुक्रिया, थैंक यू। कैसे आप, ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, नाजरीन को ये भी बताती चलूँ कि हमारे पास ये एजाज है कि इस इफ्तार को हम हमेशा TV1 USA लाइव दिखाता है, और इस बार हमने फ्लॉलेस 2.5 घंटे की ट्रांसमिशन लाइव दिखाई, जिसमें कुछ हिस्सा जो है वो बिफोर इफ्तार बाहर पे, प्री इफ्तार जो है वो हमने बाहर हॉल के बाहर जो है वो हमने लोगों से कमेंट्स लिए और गहमा गहमी दिखाई थोड़ी सी, तो उसको हम थोड़ा सा आपको, आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले देखते हैं। मेरे हर तरफ एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है, और ये एक्साइटमेंट है ह्यूस्टन इफ्तार के लिए। ह्यूस्टन इफ्तार इस वक्त USA की सबसे बड़ी इफ्तार बन चुकी है, और वो इस तरह के इस वक्त आज इस इफ्तार में तकरीबन 3,000 लोगों का इंतजाम किया गया है। वैसे तो ये इफ्तार पिछले 22 साल से ह्यूस्टन में मुनक्किद की जा रही है। इस बार इसकी खास बात यह है कि इसमें मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। ये इफ्तार इसमें मेयर ऑफ ह्यूस्टन भी शिरकत करते हैं, इसमें काउंसिल जनरल भी शिरकत करते हैं, बहुत सारे VIPs, इंटरफेथ इफ्तार होती है ये, इसमें बहुत सारे डिफरेंट काउंसिल जनरल होते हैं। इस इफ्तार की तैयारी में जो कोऑर्डिनेटर हैं वो सईद शेख, वो एक सबसे बड़ा किरदार वो अदा करते हैं, और इस इफ्तार की तैयारी में जो ऑर्गेनाइजेशन साथ देती है वो तकरीबन 50 से ऊपर है। लेकिन मेन जो इनके इस इफ्तार की तैयारी में काम करते हैं ISGH सिस्टर सिटी, उसमें ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी भी शामिल है, और उसके अलावा बहुत सारी तंजीमें, ह्यूस्टन की दूसरी तंजीमें हैं, और मेन कोऑर्डिनेटर सईद शेख होते हैं, और मेयर ह्यूस्टन, मेयर इफ्तार भी लोग इसको कहते हैं क्योंकि मेयर खसूसी तौर पर इसमें शिरकत करते हैं। इसके जो स्पॉन्सर हैं वो सबसे बड़े स्पॉन्सर सैयद जावेद अनवर हैं, और सैयद जावेद अनवर के बारे में सब जानते हैं कि वो एक फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं, ऑयल टाइकून भी हैं, और बहुत ज्यादा कम्युनिटी की हेल्प करते हैं और कम्युनिटी को प्रमोट करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, और इस इफ्तार में और वैसे भी बड़े इवेंट्स में उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो मेरे पास इस वक्त बहुत सारे VIPs मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ शोबा हाय उनसे ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज से है, मुख्तलिफ कल्चर से है, और ये इंटरफेथ इफ्तार है, इसीलिए हमने उनको दावत दी है कि वो हमारे साथ आज यहाँ शिरकत करें और हमें बताएं कि इस ह्यूस्टन इफ्तार का इम्पैक्ट दुनिया भर में क्या पड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले, मेरे पास है डॉक्टर मे को दावत देती हूँ कि वो हमारे पास आए। डॉक्टर मे का ताल्लुक चेम्बर ऑफ कॉमर्स फिलिपाइन से है।
और बिकॉज आई वॉज इन दी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑल्सो, और मुझे सारे उनके जो शुरू से इनके साथ मैंने मीटिंग्स अटेंड की और तमाम कार्रवाई मुझे मालूम है। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम के तवसत से पूरे USA, कनाडा और ग्लोबली सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज हुआ और कामयाबी के कौन से लेवल पर ये पहुंचा। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आप इसे एज अ सक्सेस कहाँ देखते हैं? मेरे ख्याल से आप देखेंगे, अगर आप कोई चीज़ इनिशिएट करें लास्ट 24 ईयर्स से हमारी कम्युनिटी के उन लीडर्स को, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी शामिल है, पाकिस्तानी, अरब कम्युनिटीज़ और दीगर कम्युनिटीज़ के लीडर्स से उन्होंने इसको इनिशिएट किया। 2011 से सिस्टर सिटीज़ ने कोऑर्डिनेशन की, और जिस तरह हमारे जनरस डोनर सैयद जावेद अनवर साहब ने सपोर्ट किया है, कम्युनिटी की सपोर्ट के बाद जब उनकी, जावेद साहब की जो सपोर्ट मिली, उसने इसको एक डिफरेंट लेवल दिया। और आज इफ्तार इस वक्त ह्यूस्टन में जो ऑर्गेनाइज हुआ है लास्ट इफ्तार अभी 2 वीक पहले, तो मैं ये समझता हूँ कि वो लार्जेस्ट और द बेस्ट जो कि मेयर ने बहुत अप्रिशिएट किया, पूरी कम्युनिटी ने अप्रिशिएट किया, और अब नेशनली उसको अप्रिसिएशन मिल रही है। हमारी सक्सेस सिर्फ इसी तरह देखें कि इंस्पायर हो के कोई चीज़ अगर आप करें और अगर कोई दूसरे सिटीज इंस्पायर हो रहे हैं, तो इससे बड़ी अचीवमेंट आप नहीं कर सकते। एल इफ्तार इनिशिएट हुई है इस साल से, राइट। डेलस इफ्तार दोबारा री स्टार्ट हुआ है, राइट। ऑस्टिन में स्टार्ट है, तो सेम पैटर्न के ऊपर। इवन मैंने सुना पाकिस्तान में भी किसी ने कोशिश की है इस तरह। अच्छा, हालांकि वहां तो होती रहती हैं, जी जी, लेकिन जी, बड़े पैमाने पर। हाँ देखिए, हम जब यहाँ रहते हैं तो डेफिनेटली इस इफ्तार का मकसद यही है कि इंटरफेथ हार्मनी, कल्चरल डाइवर्सिटी, पीस, हम किस तरीके से आपस में आमहंगी के साथ दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ, आप ईस्टर्न इज़ अ ट्रूली इंटरनेशनल डाइवर्सिटी है अमेरिका का, और अगर वहाँ अगर आपने अपनी शनाख्त को रखना है तो आपको डेफिनेटली सब कुछ वो करना है, इंटीग्रेट होना है। और मैं समझता हूँ कि टू शोकेस आवर कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटरफेथ हार्मनी एक प्राइम एग्जांपल है ईस्टर्न इफ्तार, जो कि एक माइलस्टोन बन गया है, एक सिग्नेचर इवेंट है सिटी ऑफ ह्यूस्टन के लिए, जिसको सिटी ऑफ ह्यूस्टन, मेयर ह्यूस्टन, इलेक्टेड ऑफिशियल्स बहुत ही प्राइड के साथ देखते हैं, ऑनर करते हैं। और ये कमर्शियल इफ्तार नहीं है, नहीं, ये इफ्तार, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, हम इस पर आएंगे। पहले हम थोड़ी सी इसको एस्टेब्लिश कर लें, इसकी सक्सेस को। तो मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का ये लास्ट टेन्योर था जी, और उनको आपने कुछ ट्रिब्यूट भी दिया जी, दैट वॉज अमेजिंग, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, लास्ट ईयर मेयर टर्नर ने ये डिज़ायर किया था कि लास्ट 7 ईयर्स है, और ये इस एट ईयर कि मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मुस्लिम की, मुसलमानों की इवेंट करना है, इवेंट को मतलब एक रिलीजियस सेलिब्रेशन को मैंने आपके साथ मिलके सेलिब्रेट किया है। तो जो 2023 का इफ्तार होगा, इट शुड बी बिगेस्ट एंड द बेस्ट, जो कि हमने डिलीवर किया, राइट। और डेफिनेटली मेयर को ऑनर करने के लिए, जिसमें आप भी शामिल हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, और जिस तरह से हमने मेयर को एक ट्रिब्यूट पेश किया है एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में, कि लास्ट 7 ईयर प्लस में किस तरह से मेयर टर्नर ने, उनके ऑफिस ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किए इस इफ्तार को, उस कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे हीरोज हैं, उस पर भी हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप करेंगे उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल मैं ये कह रही हूँ कि मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने आपका साथ दिया बहुत ज्यादा, सिटी ने आपके साथ दिया जी, सिटी, और सिटी का इन्वॉल्व होना कितनी अहमियत रखता है? देखिए, सिटी का इन्वॉल्वमेंट इस बात की दलील है, ये 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 इस बात को प्रूफ करता है कि सिटी उसको अपने सिग्नेचर इवेंट के तौर पे, ये सिटी के इवेंट, कम्युनिटी इवेंट को ऑन करना और इतनी सपोर्ट देना, ये एक बहुत एहसास की बात है, जो कि गुज़िश्ता ये किसी और कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता, नहीं, किसी और शहर में भी जितने इफ्तार हैं वहाँ कोई नहीं, ये फाहिद ह्यूस्टन में इफ्तार, ह्यूस्टन इफ्तार है, जिसको के सिटी ऑफ ह्यूस्टन प्राइडली एक सिग्नेचर इवेंट कंसीडर करता है। इसी में मैं आपसे एक और सवाल भी करना चाहती हूँ, जो कि हम उर्दू बोल रहे हैं तो हो सकता है सिटी वाले ना उसको समझ पाए, लेकिन हम आपस में बात कर रहे हैं ये कि सिटी को या मेयर को इससे कितना फायदा होता है। देखिए, ये तो मैं कहूँगा दोनों म्यूचुअल है, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स को सेलिब्रेट करें तमाम इलेक्टेड ऑफिशल्स के साथ। सिटी का मेयर बाप होता है, फादर ऑफ द सिटी, और उनकी ब्लेसिंग के साथ हम इसको जब करते हैं, तो मैं इसे देखें, ऊंच नीच होती है, ठीक है, कम्युनिटी के प्रेशर होते हैं जो कि सिटी में और मेयर को फेस करना पड़ते हैं, बिकॉज इट्स इफ्तार विद द मेयर।
इस तरफ आपको करने पड़ते हैं, उस तरफ उनको करना पड़ते हैं। प्रेशर तो दोनों तरफ पड़ता है, दोनों तरफ होता है, और उसमें बहुत सी चीजें अप एंड डाउन होती हैं जिसको हमें क्लेरिफाई करना होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाके क्लेरिफाई करता है। लेकिन आप शामिल हैं कि जो भी कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर हम बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन पर अभी आएंगे क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है। मैं चाहती हूँ हम स्टेप बाय स्टेप चलें, तो अभी तो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं इसकी सक्सेस को। थोड़ा सा हमने अपना टीवी वन का इंट्रो दिखाया, अब हम थोड़ा सा बायो सेंटर का दिखाते हैं कि बायो सेंटर की ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की थी और किस तरह का हॉल डेकोरेटेड हुआ हुआ था। और वो हमारे पास एक ड्रोन का शॉट है जीशान का, तो थैंक यू जीशान, और देखते हैं। Welcome to the Houston Iftar 2023, the annual Ramadan dinner with the mayor of Houston. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا जी, वेलकम बैक नाजरीन। तो इट लुक्स लाइक अ ह्यूज इवेंट। मैं इसलिए शो कर रही हूँ ऐसे, मैं तो वहाँ मौजूद थी, ताकि हमारे नाजरीन को आप बताएं कि ये प्रोसेस इतना तैयारी का मुझे तो पता है, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं ही बता दूँ, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। देखिए, पहले तो मैं जो कुछ दिखाया उस पर कहूँगा थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ रेड कार्पेट। ये कोई ऑस्कर नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारे टच दिए एक इसको छोटे या एलिगेंट अवेंट बनाने के लिए। हाँ। जितना हमारे बजट में और हमारे जो भी वसाइल में हो सकता था। तो ये प्रोसेस तो शुरू होता है 3 माह पहले एटलीस्ट, और शुरू में तो हम 4-4 महीने भी इस पे काम करते थे, तो एटलीस्ट 2-3 मंथ्स बिफोर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मेयर का ऑफिस, वॉलंटियर्स लाइक यू एंड जितने भी हमारे दीगर एसोसिएशन जिसमें हमारी कोलोबरेटिंग पार्टनर्स शामिल हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, वो है अबूधेबी, बाको, बसरा, इस्तंबुल, कराची, सिस्टर सिटी एसोसिएशन, सिस्टर सिटीज़ ऑफ ह्यूस्टन, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन, इस्माइली एंड बोरा कम्युनिटीज एंड 60+ ऑर्गेनाइजेशन एंड 60+ या बांग्लादेश कम्युनिटी, दीगर कम्युनिटीज, अरब कम्युनिटी, इसके बहुत सारे लोग हैं, सारे वॉलंटियर्स और कम्युनिटी लीडर्स। जब आके 50-60 लोग अगर आपके पास किसी मीटिंग में बैठे हैं तो इट मींस कि दे डू केयर अबाउट दिस इवेंट, और उनकी पार्टिसिपेशन का लेवल, इन्वॉल्वमेंट का लेवल, कन्वर्सेशन का लेवल हमें यकीनन वो तमाम चीज़ों को आसानी से अचीव करने का मौका देता है कि हम सबको साथ लेके उन सब की राय को शामिल करके एक ऐसा इवेंट तैयार करें जिसमें इंक्लूसिविटी हो और उसमें हम फीचर कर सकें कि किस तरह से हम रमजान को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कि वी स्टार्ट विद योर रेड कारपेट, माशाल्लाह। मैं अंदर काम में बहुत बिजी था, लेकिन जो टीवी वन का रियाज बाबर साहब और रशीद भाई की जो कोऑर्डिनेशन चल रही थी और बाहर से आपने जो संभाला हुआ था वो कोई मैच नहीं था, कि पूरा बॉल रूम आपकी आवाज़ से गूंज रहा था, चहचहा रहा था, और मैं खुद फील कर रहा था कि हाउ अर्ली द यू नो ट्रांसमिशन हैज़ स्टार्टेड। और ये कोविड के बाद से आज 4th ईयर है। थैंक यू टीवी वन, और वंस अगेन रियाज भाई हैं, फरा, रशीद भाई और टीम के दीगर लोग जो कि इसे कोऑर्डिनेट करते हैं, हुमैरा सरोज जी, और आपको देखें कि इसकी पार्टनरशिप जो है जी, पार्टनरशिप दूसरे टेलीविजन करते हैं जी, HTV सिटी ऑफ ह्यूस्टन का ऑफिशियल लीड दी NTV नरोज फैसला, ऑलवेज सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, और कोविड में ABC 13 क्योंकि यही सारा कुछ जो आप ट्रांसमिट कर रहे थे वो लाइव दिखाया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है उनकी स्ट्रीमिंग है, तो बहुत बड़ी बात है कि हमने इसे एक नई कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है इफ्तार के लिए, इस कमेटी के लिए वो कंटिन्यू रखा हुआ है आप सबकी सपोर्ट के साथ। और मेरे ख्याल से कि इससे वो लोग जो कि रजिस्टर नहीं कर पाते क्योंकि इसके प्रोग्राम की इतनी ज़्यादा आप समझ लें कि अट्रैक्शन है कि लोग, आपने देखा 6 से पहले द बॉल रूम वॉज फुल ऑलमोस्ट,
तो ये वाली बातें हम सेकंड सेगमेंट में करेंगे, अभी हमारे पास गवर्नर का मैसेज भी रेडी है। हाँ देखिए, गवर्नर ये के भी एक मैसेज रिवायत की कितनी है अहमियत है जी, थोड़ा सा आप बताएंगे तो हम फिर दिखाएंगे। देखें, ये हमेशा से जिस वक्त से हमने स्टार्ट किया है, गवर्नर टैक्सेस, स्टेट ऑफ टैक्सेस हमें ऑफिशियली एवरी ईयर एक नया मैसेज देता है। हम पुराना मैसेज रिपीट नहीं करते। हम नया मैसेज एवरी ईयर ग्रीटिंग्स है, कुछ लोग रिपीट करते हैं जो भी आप, लेकिन ये है कि हम उस मैसेज को डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जावेद साहब बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और कमेटी में इस अप्रिसिएशन के साथ जिस वक्त वहाँ पे प्ले किया जाता है और जैसे वर्ल्ड वाइड इसे देखा जाता है, तो ये इन्वॉल्वमेंट और इस सिटी से लेके पूरे स्टेट तक जाती है। इट मीन्स द स्टेट ऑफ टेक्सास इज इन्वॉल्व एवरी ईयर इन दिस इफ्तार। तो प्लीज़ आप ज़रूर उसे प्ले कीजिए। चलें देखते हैं। Hi, this is Governor Greg Abbott. It's an honor to join you tonight to celebrate the Muslim community at the 2023 annual Ramadan dinner. Each year, this event brings Texans together to commemorate peace and unity among the Muslim culture. Houston Iftar promotes this celebration to honor the holiday of Ramadan and to celebrate the harmony that we share with one another. This year, we seek a greater understanding across cultures, further encourage respect, and appreciate the diversity that makes the greater Houston area and Texas so special. Finally, a very special thank you to Chief Patron Javed Anwar for being Iftar's grand sponsor for the 13th year in a row. Happy Ramadan to everyone. जी, वेलकम बैक नाजरीन। ये गवर्नर का मैसेज कितना जबरदस्त मैसेज था, बहुत जबरदस्त। सो हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोगों को पता चले, जिन लोगों ने नहीं दिया देखा या मिस कर दिया, वो देख सकें कि इसमें कितनी छोटे 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 जुजियात शामिल थी जिससे मिलकर ये तमाम चीज जो है ये बनी है। तो नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इस इम्पोर्टेंट इवेंट की मजीद डिटेल्स जो है इसके बाद हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइफ विद फरा और हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं ह्यूस्टन इफ्तार पे। हमारे साथ मौजूद हैं सईद शेख, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक कॉलर मौजूद है न्यूयॉर्क से, नदीम वामिक, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाहिद साहब, मेरा नाम नदीम वामिक है, आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हर प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, सब प्रोग्राम अच्छे होते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जो यहाँ पे जितने कंटेंट्स जो लोग और कोई नहीं, आप लोग ही बनाते हैं खाली और काफी लोकल टच होता है, तो आपके काफी अच्छे मेहमान होते हैं, हाईली प्रोफाइल लोग होते हैं। आप अगर ये लोग थोड़ी सी, आप लोग पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर अमेरिकन जो गवर्नमेंट के यहाँ के लोग हैं, यूएस कांग्रेस के या इस टाइप के जो लोग हैं, उनसे आप कुछ प्रेशराइज करवा सकें, थोड़ा सा गरीब लोगों के लिए जो जुल्म हो रहे हैं वो बंद हो सके, तो ये मेरी एक मौजूदी आपके सामने होते हैं हर वक्त। इस वक्त भी जो साहब बैठे हैं इनका काफी गहरा ताल्लुक है, तो मुझे खुशी होगी अगर इसके ऊपर थोड़ा सा आप रोशन डलवा दें, अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो। अच्छा, उन्होंने मैसेज सुन लिया आपका, तो इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे इसके लिए भी, और बल्कि कोशिश करेंगे कि उनको हम प्रोग्राम में ही ले आएं और आपसे भी, आपको भी लाइन पर ले लें ताकि डायरेक्ट ही बात हो जाए इस बारे में। अभी हम ह्यूस्टन इफ्तार की बात करें, तो अगर आपको उस बारे में कोई कमेंट करना है तो आप कर लीजिए। नहीं, वो तो मैंने ऑलरेडी कर दिया कमेंट्स कि आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम ही है और ये जो अफ्तारियां कराने का सिलसिला है गवर्नमेंट को साथ इन्वॉल्व करके, ये पाकिस्तान को बड़ा अच्छा हाईलाइट मिला है नाम को। पहले हमें लोग नहीं जानते थे, अब हमें लोग जानने लग गए हैं, थोड़ा सा हम लोग एक्टिव हैं। ये हमारे पीछे जो लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा, जो आप लोग काम कर रहे हैं बेसिकली, तो 13 टाइम आप लोगों ने अफ्तारी करवाई है, सब कुछ ये अफ्तारी नहीं होती बल्कि सब इंटरफेथ इंटरफेथ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंटरफेथ मिंगलिंग है। जो भी पीआर करते हैं हम लोग, और हमें पीआर करना चाहिए एज ए मुस्लिम, जो कि हमारे दूसरे लोग नहीं सोचते थे पहले नहीं सोचते थे बिल्कुल। जी, तो ये बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह ताला आप लोगों को इस पे साबित कदम रखे, आपके साथियों को, आपके मेहमानों को जो भी हैं। सॉरी नाम स्किप कर रहा हूं, इसलिए नाम नहीं। सईद शेख साहब हैं। सईद शेख, सईद साहब, थैंक यू। थैंक यू सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपको अल्लाह ताला जज़ा दे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे पास वैसे डॉक्यूमेंट्री भी मेयर की मौजूद है, लेकिन ये कि हम थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे बात करना चाहती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए जी। तो क्या मसला हुआ था रजिस्ट्रेशन पे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये इवेंट बहुत पॉपुलर इवेंट है और इस मर्तबा इसकी पॉपुलरिटी की कोई बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी। कोविड में हमने आपके साथ जब शुरू किया, वी सर्व 3000 पीपल, किस तरह से हमने उसको प्रोसेस को हैंडल किया, बट वो एक इजी प्रोसेस था। कोविड एक डिफरेंट टाइम था, जब दोबारा से ये स्टार्ट हुआ इन पर्सन इफ्तार, लास्ट ईयर भी हमने रजिस्ट्रेशन में मसाइल फेस किए, उसकी रीज़न ये थी कि कम्युनिटी का रिस्पॉन्स ह्यूज है, ट्रमेंडस रिस्पॉन्स है कम्युनिटी का। इस मरतबा जब रजिस्ट्रेशन को प्रॉपरली अनाउंस करके ओपन किया गया, तो उस प्रोसेस को पूरा रिकॉर्ड किया हमने, हमारे जो डैशबोर्ड हैं, कांस्टेंट कांटेक्ट जैसी एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ हमने इसे तमाम प्रोसेस को डील किया था। तो वो क्या कि 3 मिनट में या 5 मिनट? 5 मिनट एंड 54 सेकंड में 1000 टिकट्स चले गए। हर मेंबर, हर रजिस्ट्रांट को ये एक था प्रिविलेज कि वो 4 टिकट ले सकता है। अच्छा, तो तकरीबन क्लोज टू 400 जो लोग थे, पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं साथ साथ हमारे जी, तो हमने तकरीबन 400 लोगों के करीब रजिस्ट्रांट थे जिन्होंने ये सब टिकट्स लिए, लेकिन वो इतना फास्ट हुआ कि लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए मेयर के ऑफिस को इन्वॉल्व होना पड़ा। सेकंड फेज में कई 100 थी, वो 1.5 मिनट पे हमारी रजिस्ट्रेशन फिनिश हुई। तो हमने उसमें, तो हमने जूम कॉल करके कमेटी के मेम्बर्स को, इंक्लूडिंग द ऑफिस, सबको हमने इन्वॉल्व किया था। अच्छा काम ये हुआ कि हमने बाकायदा इसकी एक केस फाइल किया कांस्टेंट कांटेक्ट को, और उसकी प्रॉपर मीटिंग, जो सबसे बड़ी मीटिंग हमारी बिफोर इफ्तार मेन मीटिंग थी, जिसमें हमने प्रेजेंट किया सारा कुछ हेड के ऑफिस को, बाकी सारे लोगों को, कि दिस इज द आउटकम, और वो सारा लिजिटमेट था,
हर चीज़ रिकॉर्डेड थी और जो लोग रजिस्टर हुए थे उनका पूरा डेटा हमारे पास था, विद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और किस वक्त, किस टाइम और किस सेकंड में वो रजिस्टर हुआ। एक सेकंड होता है ना उसमें 8 से 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए एक सेकंड में, एक सेकंड जो होता है उसके। अच्छा, तो वो डेटा बता रहा है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा लेजिटिमेट डेटा है कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट का। तो माशाल्लाह ये कम्युनिटी का रिस्पॉन्स है, हम सबकी सक्सेस है जिसमें आप भी शामिल हैं, पूरी कम्युनिटी, वॉलंटियर, सब लोग इसका हिस्सा हैं कि इसकी इतनी डिमांड है और इस तरह से जितना ही आप बड़ा कर लें आपको ये प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ये तो अभी हम डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएंगे, आपने क्लियर कर दिया जो कि मैंने अपने जो कमेंट्स लोगों से लिए, मैंने उसमें भी क्लियर की ये बात कि वो रैंडम लोग जो वहाँ से गुजर रहे थे, हमने उनसे कमेंट्स लिए और उनसे पूछा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई थी। तो अगर आप मेरा वो लाइव देखेंगे प्री वाला, प्री अवतार वाला, उसमें खवातीन ने कहा कि हमने तो ऑनलाइन करवाई है और 20 सेकंड में हमारी हो गई रजिस्ट्रेशन। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाई थी सबने। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये कि आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है ऐसी कि जो आप 60 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेके चलते हैं? देखिए, मेरी हमेशा से कोशिश है कि सबको यूनाइटेड एफर्ट्स होने चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। यही ईस्टर्न इफ्तार और जिस वक्त मेरे रनी स्पार्कर ने सिस्टर सिटीज को दिया था, तो हम इसी ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू चले और यही नहीं, दीगर प्लेटफॉर्म है, अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ और कई और ऐसे एफर्ट होते हैं जिसमें हम यूनाइटेडली मिल के काम करते हैं। यस, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, ड्यू शेयर सबको देना पड़ता है। वही तो मसला है कि उनको आप कैसे काबू कर लेते हैं, ये कौन सी जादू की छड़ी है? देखिए, सबका ट्रस्ट है, अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है मैं अपनी ईमानदारी के साथ, अपने ट्रस्ट के साथ कम्युनिटी की चीज़ें डील करता रहा हूँ और करूँगा। और इसी में मैंने सबको यूनाइटेड रखा है, सबके साथ जितना मुमकिन है हर कम्युनिटी को शेयर दिया जाता है इफ्तार में, कि उन्हें कोई रोल देने की कोशिश होती है। और जितने वॉलंटियर्स हैं और जिस दिल जोई से काम करते हैं, आपने खुद विटनेस किया है कि हमारे 200+ वॉलंटियर्स, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी इस्माइली कम्युनिटी को और बोरा कम्युनिटी को, और अब बांग्लादेश भी जी माशाल्लाह, जी उन लोगों के वॉलंटियर्स ने जिस तरह काम किया है जी, और जिस तरह वो ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं जी, इंस्पायरिंग है जी। इसमें देखें, मैं यकीनन इसकी मुख्तलिफ कमेटीज होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, जब लॉजिस्टिक्स की जो कमेटी है उसमें बांग्लादेश कम्युनिटी की जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, नहार, मुना, इन सब का बड़ा अहम किरदार है। बांग्लादेश एसोसिएशन ग्रेटर ह्यूस्टन, रजिस्ट्रेशन में पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, VIP एंड गेस्ट रजिस्ट्रेशन को जिस तरह हैंडल किया है, वो ऑलमोस्ट 60-70 थे हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ही खुश असलूबी से इतने बड़े क्राउड को, ना सिर्फ शाज़ेब और हमजा फराज जो प्रेसिडेंट है, उनकी टीम ने मुख्तलिफ एंगल से संभाला। और देख रही थी वो छोटा सा लैपटॉप लेके खड़ा हुआ था और बार 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 उसको जी, लेकिन जी, यंग जी, बच्चे हैं जी, सो दे आर वेरी शार्प। जी हाँ, बिल्कुल, स्टेज मैनेजमेंट में आपने देखा शाह अली, मिर्या चौधरी का बड़ा अहम किरदार है, सिराज नरसी, सब लोगों ने इसे जो कोऑर्डिनेट किया है, मुना खलील डिड एक्सेलेंट जॉब, जो मैं कहता हूँ इवेंट जो आपने स्टार्ट किया था बाहर, मच अर्लियर देन इट सपोज टू बी स्टार्ट बिफोर, या हमने फिजा बना दी थी बस, उसके बाद जो कंटिन्यूएशन है, तो ये टाइमली हर चीज का डिलीवर होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट की माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमें अप्रिसिएशन मिली है आप समय, तो जिस तरह लोगों के कमेंट्स हैं इंक्लूडिंग द मेयर, उसकी आज तक कोई मिसाल नहीं है कि आपने बिग सबसे बड़ा इफ्तार किया, वेल टाइम्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग वाज ऑन टाइम, क्योंकि इफ्तार में टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, और माशाल्लाह फूड डिलीशियस फूड हमेशा की तरह, और मेरा ख्याल है कि इस इफ्तार की कामयाबी में आधा हाथ खाने का बहुत ज्यादा कामयाबी इसमें हमेशा वही वेंडर हमारे शेयर करें कि लोग किस तरह आए थे वहाँ पे अपने बैग्स लेके घर से। नहीं 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 नहीं, देखिए हमें ये था कि हमने हर चीज को ओवर मतलब कवर कर रखा था, कि अंदाजा था कि बहुत बड़ा इफ्तार होना है, ये भी था कि डोर पे भी नॉन रजिस्ट्रांट भी हमें शो होंगे जो हुए, लेकिन माशाल्लाह से उसमें इतनी बरकत थी, केटरर्स, क्रेडिट, टेम्पुरा, फायर डिस्ट्रिक्ट सब लेके गए अपने साथ, और प्रोडक्शन जो आपने देखी इस मरतबा माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइव ट्रांसमिशन हम जिक्र कर चुके हैं, सीज प्रोडक्शन ने फर्स्ट टाइम 60 फीट की LED वॉल जो कभी नहीं लगी हमारी कम्युनिटी में कहीं भी नहीं, वो पहली बार जिस तरह का एक आउटसोर्स कंपनी से हमने आउटसोर्स किया, स्टेज को एक नया स्टेज वहां पर आया, विद इन ऑल आवर बजट क्रिएट किया गया, और फिर जो जीशान जाफरी की प्रोडक्शन की जो ग्राफिक्स थे और जो डॉक्यूमेंट्री मेयर की थी, बहुत मेहनत की ये सारी चीजें, और लाइव ट्रांसमिशन ने
इस इवेंट को एक मिसाली इवेंट बनाया। तो इसका मतलब है कि देखिए कोई भी इवेंट हो आजकल के जमाने में उसकी प्रमोशन जरूरी होती है जी। जब तक आप उसे प्रमोट नहीं करेंगे लोगों को कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। और फिर इसके बाद देखें वॉलंटियर्स का हमेशा की तरह इस्माइली काउंसिल के वॉलंटियर्स अनबिलीवेबली सपोर्ट करते हैं हमारे साथ बहुत बड़ी नंबर्स के साथ। तो वो तमाम मैनेजमेंट बॉल रूम की और बाहर की इन सब चीज़ों को अगर आप मिलाएं तो मैं कहता हूं कि ये आज के जो प्रोग्राम में इजहार तशक्कुर है कि वो तमाम कमेटी के लिए, तमाम वॉलंटियर्स के लिए, मेयर के ऑफिस के लिए, मेयर सिल्वेस्टर टर्नर के लिए और हमारे डोनर सैयद जावेद नार साहब, और शुक्रगुजार हूँ तनवीर अहमद साहब ने इस मरतबा हमें बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी, और बहुत सारे मेजर डोनर जो आपके अपने एडवर्टाइजर्स भी हैं और वो अनबिलीवेबल सपोर्ट उनकी है और हमने उनका बहुत अच्छी तरह शुक्रिया। क्योंकि ये एक फेथ इवेंट है और रमजान इफ्तार जो है वो रिलीजियस भी है, ऑब्वियसली रिलीजियस ही है बेसिकली। आईएसजी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इसकी तमाम प्रेजेंटेशन में। बीइंग अ रिलीजियस इवेंट इसको हर कोई चाहता है कि इसमें पार्टिसिपेट करे, उसका शेयर हो इसमें थोड़ा सा, एंड दे फील गुड अबाउट इट, दैट्स द ओनली थिंग, दे फील गुड अबाउट इट, वी ऑल फील गुड टू बी पार्ट ऑफ इट, राइट। हमें और कुछ नहीं इसको चाहिए, नहीं, बिल्कुल, राइट। तो हम मेयर की डॉक्यूमेंट्री पे आते हैं, इससे पहले कि हम मजीद इमोशनल हो जाएं, तो मेयर मैं कुछ कहूँ इसके बारे में जी प्लीज। देखिए मेयर टर्नर एक मिसाली मेयर रहे, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ और साउथ एशियन कम्युनिटी के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उनकी बहुत इंटीग्रेशन रही है। तो हमने आज इस डॉक्यूमेंट्री में मेयर टर्नर की जो कंट्रीब्यूशन रही हैं अनमैच्ड, ईस्टर्न इफ्तार को इस जिस तरह प्रमोट हुई है, जिस तरह बड़ी हुई है, जिस तरह ये बिगेस्ट इवेंट बना है, वो हमने शोकेस किया है। तो प्लीज लेट्स सी दैट दिखाएं। Houston, the fourth most populated and most diverse city in the United States. Houston is also one of the most international cities in the world, where one in four residents is foreign born. Hosting over 90 consulates and foreign trade missions, 19 sister cities, and a vibrant global community. Tonight, we honor our mayor, a person who has fostered a great city that is not only diverse, but also inclusive, who brings communities together, the Honorable Mayor Sylvester Turner. The annual Houston Iftar dinner held during Ramadan is one of the prime examples of Mayor Turner's promotion of inclusion in Houston. Since 2001, the Houston Iftar has grown immensely. Not only is it now a signature tradition in our city, but under Mayor Turner's leadership, the event has grown into becoming one of the largest iftars in the entire country. The Houston Iftar showcases our community's rich cultural, religious, and social diversity. This event brings together people of all backgrounds, regardless of race, color, religion, or origin, and reminds us that we all share the same human values, respect, and dignities. It has become a symbol of solidarity and unity in our community. Even during COVID, the Houston Iftar endured. In 2020 and 2021, thanks to the dedication and support of Mayor Turner, the City of Houston, and the local communities, meals were distributed so that families could still break fast together in a virtual setting. During this challenging time, residents were still able to view the live transmission of Ramadan presentations on leading media outlets and break their fast with the call to prayers. The success of the Houston Iftar would not be possible without the support of Sister Cities of Houston and the Sister City Associations of Abu Dhabi, Baku, Basra, Istanbul, and Karachi, members of the Honorable Mayor's Office, our sponsors, especially Chief Patron, Mr. Syed Jawed Anwar, and over 60 collaborating organizations, including ISGH, Ismaili and Bora communities, and hundreds of volunteers. And above all, Mayor Sylvester Turner. As Mayor Turner's last iftar as mayor of our great city, we pray for his good health and meaningful journey, and we hope to see him attending this event in another leadership capacity for years to come. Thank you, Mayor Turner.
जी, वेलकम बैक नाजरीन। आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइफ विद फरा, और हम देख रहे थे ह्यूस्टन इफ्तार में जो मेयर की डॉक्यूमेंट्री हमने चलाई मेयर सिल्वेस्टर टर्नर की, इसलिए कि ये उनका लास्ट टेन्योर था, इसके बाद वो मजीद मेयर नहीं रहेंगे। तो मेयर ने इसको कितना अप्रिशिएट किया, कितना सपोर्ट किया, ये हम इनसे सईद शेख से पूछते हैं। इनके पास एक मैसेज है मेयर का, तो हमें बताइए ज़रा। देखें, अगर मेयर टर्नर ने इस प्रोग्राम को बहुत जिस तरह वहाँ जिस तरह सपोर्ट किया था, अप्रिशिएट किया था, उसके बाद एक स्पेशल मैसेज हमें मिला है मेयर की जानिब से। ये मेरे सामने है, मैं आपके सामने रीड करूँगा। आई कांट थैंक यू इनफ फॉर एन आउटस्टैंडिंग इफ्तार डिनर। इट वॉज फाइनल वन एज अ मेयर एंड द वेरी बेस्ट वन। योर लीडरशिप एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ जावेद अनवर एंड द सपोर्ट ऑफ अदर इंक्लूडिंग ऑल द वॉलंटियर्स कोलैबोरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस मेड इट पॉसिबल। थैंक यू। वाह, तो ये तो आपको फ्रेम करवाना चाहिए। दिस इज सो काइंड ऑफ द मेयर दैट उसने इस तरह का मैसेज किया और बहुत इसको दिल से इसको एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है। अच्छा, ये बताइए कि ये तो अब चले जाएंगे, अब कोई और मेयर आएगा जी, सो क्या देखते हैं आप मुस्तकबिल में, इस इवेंट का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंशाल्लाह इवेंट तो मेयर इस पार्कर ने इनिशिएट किया, मेयर टर्नर ने सपोर्ट किया है, और आपके सामने हमारी जो टीम है, हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आपने तो इतना एस्टैब्लिश कर लिया है उसको बिल्कुल। तो पॉलिसीज जो है, जिस तरह से सिस्टर सिटीज की कोलैबोरेशन है इसमें मौजूद, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिटी का ये था कि इसको मेयर के साथ इफ्तार उसी वक्त किया जा सकता है जब सिटी कहीं ना कहीं से ऑन करे। तो सिटी के पास उस वक्त 5 मुस्लिम सिस्टर सिटीज थी जो सिटी ऑफ ह्यूस्टन का हिस्सा है, एक ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है और उनके सिटी का ऑफिशियल हिस्सा है। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट दिस सिस्टर सिटी कोऑर्डिनेट अलोंग विद एवरीवन। वो हमने करने की कोशिश की, हमें बहुत मेहनत करना पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस यूनिटी पे बहुत शुक्रगुजार हैं सबका। हम अपने मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसको इंटरनेशनली प्रमोट किया, लाइव ट्रांसमिशन आपसे लेके हमारे इतने सारे हीरोज हैं जो आप जानती हैं कि सब ने इसे अपने इंटरनेशनल चैनल्स में, पाकिस्तान के और दीगर कंट्रीज, इवन न्यूज़पेपर्स, बांग्लादेश में ये ब्रॉडकास्ट हुआ है, कई जगह पे हुआ है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, और जिस तरह से इसकी ट्रांसमिशन को, जिस तरह के इसको आफ्टर द इवेंट फॉक्स टेलीविजन ने और दीगर्स ने, जिस हिस्ट्री क्रॉनिकल ने इसे फीचर किया है, तो मेरे ख्याल से कि ये ऑब्जेक्टिव 100% तो नहीं, 99% अचीवमेंट है, पर इंशाल्लाह ताला वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम अपनी इस यूनिटी के साथ, जिसमें सारी एसोसिएशंस, वंस अगेन सारी सिस्टर सिटीज, आईएसडी, आपने आदत डाल दी अब सबको, बोरी स्माइली सारी कम्युनिटी, या सारी एसोसिएशन। तो माशाल्लाह आपने तो इंटरव्यू भी किया है हमारी लीडरशिप के साथ, के मैं भी उसी पर आ रही थी कि हम जब इसे कहते हैं कि इंटरफेथ इफ्तार है ये और इसकी अहमियत क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट इसलिए करना चाहती हूँ कि शुरू में जो लोग बगैर सोचे समझे लोग बोलते हैं, आप चैरिटी करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, यानी ये लोग रमज़ान में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, आप रोज़ा रखते हैं ताकि आपको पता चले अहमियत का कि भूखा रहना क्या होता है, या आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन इंटरफेथ की अहमियत अपनी जगह कितनी अहम है और कितनी इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में यहाँ रहते हुए ये नंबर वन प्रायोरिटी है हमारी, ये मैं कहती हूँ, मैं समझती हूँ ऐसा, कि इवन चैरिटी वगैरह से भी ज्यादा अहमियत है उसकी। क्यों? क्योंकि ये जनरेशनल है, जो आज आप क्रिएट कर रहे हैं ये इन्फ्लुएंस जनरेशनल है। मैं इस बारे में चाहूंगी कि आप कुछ बताएं। देखिए, एक इंटरफेथ का आप सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही देखें कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स, कांग्रेशनल मेंबर्स, हमारी ह्यूस्टन इंटरफेथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूस्टन, ग्रेटर ह्यूस्टन ने एज अ कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स मल्टीपल टेबल्स पे यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब की लीडरशिप को, उनके रूहानी जितने भी फिगर्स होते हैं उन सबको इन्वाइट किया, ताकि एक इंटरफेथ हारमोनी का जो रियल टेस्ट है वो हम सब एक दूसरे के साथ इंजॉय कर सकें, हम इफ्तार साथ कर सकें, एक टेबल पे हम साथ करते हैं। कांग्रेसमैन अल ग्रीन वेरी वेल सेड इन द इवेंट कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी, इज लाइक वी आर शेयरिंग अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड। सो मेरे ख्याल से के और जिस तरह का तो ऐसे ही तो ये वर्ड्स नहीं आते, कुछ फील करता है इंसान, तो ये वर्ड्स फीलिंग्स, आप उनके कमेंट्स देखें जो मीडिया को दिए हैं, जो उन्होंने पोडियम पे आके बोले हैं, और हाउ गुड दे फील, और
प्राइड के फील करते हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट, कभी मिस नहीं करते हमारे कंग्रेशनल मेंबर्स, हमेशा आते हैं इलेक्टेड ऑफिशियल कंग्रेशनल में. और देखें कौनसा जर्नल्स, 20+ कौनसा जर्नल्स का शरीक होना, जिसमें हमारे अरब ममालिक के कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है. माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े नंबर्स में हमें ये मिली उनकी फैमिलीज के साथ. मोर देन 50 पीपल वर फ्रॉम डिफरेंट कॉन्सुलेट्स जिसमें पाकिस्तान शामिल है. और एक और चीज़ के मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से इसका हिस्सा हूँ, हमने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि पहले ये लोग जो हैं ये अपने ड्रेसेस में आते थे, नाउ दे स्टार्टेड कमिंग इन आवर ड्रेसेस. जी माशाल्लाह, इसमें क्या अदब आदाब होते हैं, इसके क्या तरीकेकार है इसमें आने का. जी, दे आर अडॉप्टिंग. जी बिल्कुल. सो इंटरफेथ में ये अडॉप्शन जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है. जी बिल्कुल. प्रॉपर अटायर जब आप पहनते हैं ना, जब आप बहुत अच्छा फील करते हैं उस इवेंट में जाना, पर्सनल फीलिंग होती है. एग्जैक्टली, बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई मेंट. बिल्कुल, ये पॉइंट हाईलाइट करना इसलिए जरूरी था कि लोग समझें इस बात को कि इसकी अहमियत क्या है. बिल्कुल, इसका मेन कोर बुनियाद क्या है इस इवेंट की. बिल्कुल, ये ऐसे ही एक इवेंट नहीं है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और देखें वेन्यू बायोसिटी के, हम अगेन पिस्टन के मैसी के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जो भी उसमें स्पेसेस थी, चाहे वो पेटियो हो, पवेलियन हो, हर जगह को हमने, इनकी लॉबी हो, हर चीज़ को ऑक्यूपाई किया और लोगों को अकोमोडेट किया. और कितने हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर अकोमोडेटेड. राइट, एंड दे सी दैट. जी, वो सब देख रहे हैं वो चीज. जी बिल्कुल, बिल्कुल देख रहे हैं तो उन्हें पता चल. जी बिल्कुल. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आप यहीं रहिएगा क्योंकि मैंने अपना सेगमेंट छोटा कर दिया एस्ट्रोलॉजी और थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. एंड वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, कोलैबोरेटिंग पार्टनर, वॉलंटियर्स, तमाम. एंड कर दूं? अच्छा, और मेरा सेगमेंट होगा अभी. अच्छा ठीक है. अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है. तो आपका कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें कम्युनिटी के लिए? बस मैं यही कहूँगा कि ट्रस्ट अस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इंशाल्लाह कम्युनिटी ने किया है. और इंशाल्लाह हम वंस अगेन अपने डोनर्स, जावेद साहब और देर सारी कम्युनिटी, मीडिया पार्टनर्स और हम सारे वॉलंटियर्स के साथ इंशाल्लाह ताला ये इवेंट मज़ीद ग्रो होगा. और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे इंटरफेथ हारमोनी, यूनिटी और किस तरह पीसफुली हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और कल्चर डाइवर्सिटी प्रमोट होगी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो नाजरीन, मैं अपनी तरफ से भी इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि ये इवेंट मल्टीपर्पज़ काम कर रहा है. कुछ चीज़ें इनविजिबल होती हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन उसके असरात डिप्लोमेसी में स्पेशली उसके असरात जो हैं वो दूर रस होते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं और बहुत देर में नज़र आते हैं. तो आज ये पौधा जो इन्होंने लगाया या कुछ साल पहले जो लगाया था, ये अब दरख्त बन चुका है और इसकी छाँव में हमारे ही लोग बैठेंगे, हमारी ही कम्यूनिटी बैठेगी, हमारे आने वाली जनरेशन जो हैं वो बैठेंगी और इसका फ़ायदा उन्हें होगा कि ये इंटरफेथ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसके साथ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आऊँगी और आपको न्यू मून इक्लिप्स जो 20 तारीख को, उसके बारे में बताऊँगी. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइफ विद फरा, और ये है आपका फेवरेट सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी का। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो है न्यू मून इक्लिप्स, जो कि है अप्रैल 20th को, और ये एरीज के साइन में है। लेकिन क्योंकि इतने अरसे से जो ज़मीन घूम रही है उसके वजह से एस्ट्रोलॉजी में ये कहते हैं कि ये अब तक ये अरबों खरबों सालों में जब से ये सिलसिला चल रहा है 30 डिग्रीज का फ़र्क पड़ चुका है। जॉडियक जो बनाया हुआ है इन्होंने ख्याली आसमान पे, उसमें 30 डिग्रीज का फ़र्क पड़ चुका है। तो उसकी वजह से बेसिकली आ तो ये एरीज में रहा है, लेकिन एक्चुअली कॉन्स्टेलेशन जो है वो पाइसिस की है। तो पाइसिस में जो मछलियाँ हैं, दो मछलियाँ उनकी उनकी टेल के पास ये इक्लिप्स है। अच्छा, इस ये इक्लिप्स बड़ा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है या रेयर है, ये कह लें आप, क्यों रेयर है ये? इसलिए कि तीन तरह के इक्लिप्स होते हैं, पार्शियल, टोटल और एक और होता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन ये जो इक्लिप्स है ये रेयर इसलिए है कि ये इन तीनों में से नहीं है, ये चौथा है। और चौथा इसलिए है ये कि ये मुख्तलिफ जगहों पर दुनिया में इन तीनों जगहों में, तीनों एस्पेक्ट्स में नज़र आएगा, यानी कहीं पार्शियल होगा, कहीं टोटल होगा, इस तरह ये नज़र आएगा इन तमाम जगहों पे। और ये इस तरह का इक्लिप्स जो है एक सेंचुरी में फ्यू टाइम्स होता है, मोस्टली 7 टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं होता। इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है। और इक्लिप्स के बारे में कहते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि ये क्या हुआ, इक्लिप्स आ जाता है बार बार, क्या मसला है इसमें, या क्या प्रॉब्लम है, या क्यों इक्लिप्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इक्लिप्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और आसान जबान में आपको समझाऊंगी ताकि आराम से आपको इजीली समझ आ जाए। ये सोलर इक्लिप्स जो होता है, इसमें चांद जो है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है और रोशनी जो है वो रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। तो ये तो सबको पता है, कॉमन सी बात है। लेकिन जब ये, क्योंकि सूरज जो है वो एनर्जी का मंबा है, एनर्जी का सोर्स है, तो जब ये एनर्जी ब्लॉक होती है, जब दरमियान में आने से अंधेरा हो जाता है, तो वो एनर्जी एक तरह से रीसेट होती है। जैसे आप अपने किसी भी डिवाइस को रीसेट करते हैं, इस तरह वो एनर्जी रीसेट होती है। जब वो एनर्जी रीसेट होती है तो फिर जब इक्लिप्स ख़त्म हो जाता है तो नई एनर्जी आती है। फिर तो नई एनर्जी का मतलब ये है कि फिर अगले 6 मंथ्स तक वो एनर्जी जो है वो काम करेगी। इसीलिए ये कहते हैं कि इक्लिप्स जो होता है वो न्यू बिगिनिंग्स, ये न्यू बिगिनिंग्स फ्रेश स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेश स्टार्ट का मतलब ये कि अब जब नई एनर्जी के साथ आप कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी उसमें। तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर थोड़ा सा आपको इक्लिप्स के बारे में बता दूं। आज का प्रोग्राम हमने टोटली ह्यूस्टन इफ्तार के लिए रखा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, फरा इकबाल को इजाज़त दीजिए, और स्पेशल थैंक्स टू रशीद साहब, रशीद अहमद जो हमारे पास काम कर रहे हैं, इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनके लिए स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में हमारी तमाम वीडियोस को प्ले किया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।